Good morning, children. Today we are going to start a new topic, and the topic is angles in clocks. Okay? Before we start the topic angles with clocks, children, some of you were asking me about drawing the angles using the two scales. Okay? I think some of you had a doubt. So what I am doing, you know, today I am going to draw angles using the two scales, and then we will come to how to find out angles in clocks. So children, let us first draw an angle. Let me draw an angle, say let me draw 80 degree. Okay, I am going to draw 80 degree. So what will I do, children? So my first step is always to draw a line. Okay, let me draw a line. So what will I do with the line? I will put two arrows, because a line is never ending. It does not have an end. It can extend on both the direction. Jitna chahe isko lamba bana sakte hain. That is why we put an arrow. Ab ye arrow aane ke baad, what I will do? I will put names. Okay, I will take two points A. एंड इस लाइन को मैंने लाइन सेगमेंट में चेंज कर दिया है. सेगमेंट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ओके, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, बिकॉज अ लाइन नेवर एंड्स ऑन बोथ द साइड्स. सो इतने लंबा लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए हम सिर्फ एक लाइन का एक भाग, वन पार्ट खींचते हैं. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. ओके, सो दिस हैज बिकम अ लाइन सेगमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉइंग एंगल्स. सो यू नो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? Is to draw angles. When you draw angles, what you will do? You will take your protractor and you will come. See, children, if I want to draw an angle, I can start from this point or I can start with this point. Ya to main A use karu ya main B use karu. A use karne se bhi, B use karne se bhi answer ek hi hoga. You can use any one. Okay? So let me first start with A. Main A se pehle shuru karu. So A को अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना, यू रिमेंबर दिस, A इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर A स्टार्टिंग पॉइंट है तो मिडिल विल कम हियर ओवर A एंड लाइन ओवर लाइन. ये तो क्लियर हो गया. ओके, देन क्वेश्चन पूछना है खुद से. यू आस्क योरसेल्फ, मेरा जीरो कौन सा है? सो आंसर क्या आएगा? मेरा जीरो मेरे लाइन के ऊपर वाला जीरो है. मेरे लाइन के ऊपर कौन जीरो है? क्या ये जीरो मेरे लाइन के ऊपर है? जो लेफ्ट साइड में, जो मेरे लेफ्ट साइड में है, वो वाला तो नहीं है. कौन सा जीरो है? राइट साइड वाला. दिस इज माय लाइन और ये जीरो. दैट मींस मुझे स्केल कौन सा यूज करना है? अंदर वाला. अंदर वाले स्केल को क्या बोलते हैं? इनर स्केल. ओके, सम ऑफ यू आर आस्किंग, मैडम इनर स्केल क्या है? इनर स्केल मतलब अंदर वाला स्केल. सो अंदर वाला स्केल से 80 जाएंगे. यू नो नाउ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक गए. अंदर के स्केल से गए 80 और यहाँ ये मेरा पॉइंट है. राइट, अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको किससे ज्वाइन करूँ? ए से करूँ ना बी से करूँ? ज्वाइनिंग मुझे जिसको मैंने मिडिल पॉइंट लिया था, जिसके ऊपर मैंने प्रोट्रैक्टर का मिडिल पॉइंट रखा था. ओके, दैट इज My vertex point. ये मेरा A vertex point होगा. So अभी जो मुझे मिला है, मुझे इसको A के साथ join करना है. Okay? So angle is ready. Arrow लगा दिया. इसको भी कुछ एक नाम दे देते हैं. A B दिया था. इसको C दे देते हैं. Okay? और angle कहाँ form हुआ? Angle is formed here. Right? अब इसी line में मैं और एक angle draw करूँगी. Same. On the same line. अब A लिया था. इस बार मैं क्या लूँगी? B लूँगी. ओके, द राइट साइड ऑफ, तो हमारा स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है, इस बार वर्टेक्स मैंने बी लिया है. सो माय मिडिल पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर इज एट बी. ओके, एंड लाइन ओवर लाइन. अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा लाइन किस जीरो के ऊपर है? मेरा लाइन कहाँ है? अब मेरा लाइन इस तरफ आ गया ना, दिस साइड वाला लाइन होगी. इस तरफ तो कोई लाइन है नहीं. सो दिस साइड लाइन इज ओवर व्हाट? दिस लाइन में ये जीरो उसके ऊपर आ रहा है, बाहर वाला जीरो. सो मुझे किसको लेना है? बाहर वाले स्केल को. सो क्वेश्चन क्या पूछना है? कौन सा जीरो मेरे लाइन के ऊपर है? मेरे लाइन के ऊपर कौन सा जीरो है? ये जीरो है. सो आउटर, सो फ्रॉम द आउटर आई विल गो टिल 80.
जीरो यहाँ 70 आ गया, ये रहा मेरा 80। ओके, अब ये पॉइंट आने के बाद भी कुछ थोड़ा डाउट आ रहा है कि इसको ज्वाइन किससे करें। ज्वाइनिंग वहाँ से होगा जहाँ प्रोट्रैक्टर का मिडिल पॉइंट आया था। मिडिल पॉइंट कहाँ आया था? मिडिल पॉइंट यहाँ आया था, है ना। सो ऑन बी, सो यू आर गोइंग टू ज्वाइन विथ बी। सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट विथ बी। सी, एंड आई कैन गिव अनदर नेम, यहाँ पर और एक कुछ दे दूँ, ए बी सी हो गया, डी दे दिया, राइट। हियर ऑल्सो एन एंगल इज देयर। ये दोनों एंगल एक ही है, दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री। ओके, एंड आई हैव ड्रॉन बोथ ऑन द सेम लाइन। डिड यू सी? लेट मी ड्रॉ वन मोर, से 147। ओके, एंड दिस टाइम आई विल यूज ओनली माई आउटर स्केल। आउटर स्केल लेकर ही बहुत कन्फ्यूजन आ रहा था, सो आई विल यूज ओनली द आउटर स्केल। सो दिस इज माई लाइन, एरो लगा दिया। इस बार मैं आउटर स्केल है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, ये जो सेगमेंट जो बन गया है, इट इज सेगमेंट से आई हैव गिवन पी क्यू, आई विल नॉट यूज दिस पॉइंट। ओके, द लेफ्ट पॉइंट अगर मैंने यूज किया तो मुझे इनर स्केल यूज करना है। सो आई विल यूज द राइट पॉइंट। राइट पॉइंट में ये रख दिया मैंने, ओके, ये रख दिया, मिडिल ओवर द मिडिल, लाइन ओवर द लाइन। सो सी हियर, यस, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन खुद से क्या पूछना है? पूछना है मेरे लाइन के ऊपर कौन जीरो है। लाइन के ऊपर कौन जीरो है? बाहर वाला जीरो है, राइट। अंदर वाला जीरो तो इस साइड रह गया। सो आई, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टिल 147। नाउ यू नो हाउ टू गो। यहाँ से गए एंड दिस इज 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 एंड 47, राइट। दिस इज द पॉइंट। अब क्वेश्चन, जॉइन मैं किसके साथ करूँ? ज्वाइनिंग मेरा किसके साथ होगा, क्योंकि इसको मैंने मिडिल पॉइंट लिया था Q को। दिस इज गोइंग टू बी माई एंगल एंड दिस इज द एंगल। ओके, दिस इज एंगल, से आई विल हैव टू गिव अ नेम। सो दिस इज एंगल पी क्यू आर एंड इट इज 147। आई थिंक चिल्ड्रेन नाउ इट इज क्लियर। ओके, वॉट इज द इनर स्केल एंड आउटर स्केल? ये बहुत जरूरी है जानना कि इनर स्केल और आउटर स्केल दोनों से एंगल ड्रॉ हो सकता है और दोनों ही करेक्ट है और दोनों अच्छे तरह से आना चाहिए। ओके, नाउ चिल्ड्रेन इसी को कंटिन्यू करते हुए वी आर गोइंग टू क्लॉक। ओके, ऑल ऑफ यू नो द एनालॉग क्लॉक, डिजिटल वाला नहीं, जो हमारे घर में है, सभी के घर में होगा ये जो क्लॉक है हमारा। ओके, दिस क्लॉक वी आर गोइंग टू स्टडी कि इस क्लॉक में एंगल कैसे फॉर्म होता है। सो चिल्ड्रेन अभी आइडिया हो ही गया होगा कि क्लॉक में एंगल कैसे आता है। सो आई विल शो यू अ टाइम। ओके, सो यू जस्ट सी, राइट, आई थिंक यस, नाउ यू कैन सी दिस। दिस इज द टाइम, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू सी द टाइम। वॉट इज द टाइम? द टाइम इज 2 o'clock। ओके, अभी जो 2 है चिल्ड्रेन, ये एक एंगल है। यू डोंट लुक एट द सेकेंड हैंड। ओके, सेकेंड हैंड को मत देखो, हम लोग सिर्फ आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, ये दोनों ही देखेंगे। ओके, सो आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। सो आवर हैंड और मिनट हैंड कैसे दिखते हैं? दे लुक लाइक लाइन्स, है ना, ये दोनों एक लाइन सेगमेंट जैसे हैं। ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये दोनों लाइन के बीच में क्या फॉर्म हो गया, देखो, देयर इज एन एंगल। ओके, सो मिनट हैंड एक आर्म है, आवर हैंड एक आर्म है, और उसके बीच में कौन फॉर्म हो गया है? एंगल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल कैसा है, वट टाइप ऑफ एंगल। दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये जो सिल्वर कलर का है, दिस इज द वर्टेक्स एंड दीज टू आर द आर्म्स। नाउ क्वेश्चन इज एंगल कैसा है। सो एंगल कैसा है मैं कैसे जानूँ? सो वॉट आई विल डू, आई विल पुट दिस मिडिल पॉइंट ओवर द वर्टेक्स, जो मेरा सिल्वर है, मैंने सिल्वर के ऊपर मेरा प्रोट्रैक्टर रख दिया है। ओके, एंड आवर हैंड के ऊपर मेरे प्रोट्रैक्टर का ये लाइन है। ओके, सो वर्टेक्स ओवर मिडिल पॉइंट एंड आर्म ओवर द लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्लियर। सो दिस इज द लाइन, यहाँ ये मेरा जीरो है, लाइन के ऊपर मेरा अंदर वाला जीरो है। सो आई कैन जस्ट गो लाइक दिस, सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। मिनट हैंड इज एट 60, यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। और 60 डिग्री कैसा एंगल है? 60 डिग्री इज एन व्हाट टाइप ऑफ एंगल? एक्यूट एंगल। 90 से जितना भी कम होगा वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब चिल्ड्रेन, ये क्लॉक को देखकर अगर कोई एंगल पूछे तो हर बार ये
प्रोट्रैक्टर लेके देखना तो सही बात नहीं है ना, हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो कहीं लटका के रखा होगा, तो एंगल अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ द एंगल, हाउ कैन यू टेक योर प्रोट्रैक्टर ऑल द टाइम, और हर जगह पर एल भी लेकर नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने पूछा मैम ये एल रखते कैसे हैं, एल रखने का तरीका ये है, एल एल जो है ओके okay? ये वर्टेक्स है, द पॉइंट इज द वर्टेक्स, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। सो आर्म एक आर्म और एक आर्म लगा दिया और वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स एक, कोई एक आर्म पहले फिक्स कर देना। ये आर्म तो मिलेगा नहीं ओके okay? ये मिलेगा नहीं, सो एंगल फॉर्म हो गया है। यू सी छोटा है, घड़ी वाला एंगल ये एल से छोटा है, सो इट इज एन एक्यूट एंगल, राइट। नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू गेस, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम यू विल टेक द प्रोट्रैक्टर और द एल। नाउ यू शुड नो हाउ टू गेस, लेट मी शो यू एन एंगल ओके। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू दिस एंगल दिस टाइम ओके, इट इज ऑलमोस्ट 235, एग्जैक्टली 235 नहीं है, थोड़ा सा अब शायद 235, ऑलमोस्ट 235 राइट, इट इज ऑलमोस्ट 235। नाउ द क्वेश्चन इज ये एंगल कैसा है, अगेन आई कैन यूज माई एल, वर्टेक्स को इसमें रखना है पॉइंट के ऊपर और एक आर्म को मिला देना, कोई एक आर्म को मिला देना है, नेक्स्ट आर्म मिलेगा नहीं। यू सी ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन एल, एल से बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है ओके। एंगल बाहर भी फॉर्म होता है, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, हमें अंदर वाला छोटा एंगल देखना है। सो द वन दैट इज इनसाइड इज मोर देन 90 degree, आई कैन इवन यूज माई प्रोट्रैक्टर। हाउ टू वॉट टू डू, मिडिल पॉइंट ओवर मिडिल पॉइंट, लाइन ओवर लाइन ओके। नाउ इस बार मेरा जीरो इनर सर्कल में ही है, सो जीरो इनर सर्कल वाला देख देख के अगर मैं जाऊँ, ये ऑलमोस्ट 120 और 130 के बीच में आ रहा है ये एंगल। सो 120 और 130 के बीच मीन्स इट इज ग्रेटर देन 90 degree, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल राइट ओके। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, एंगल्स क्लियर हो गया है तो ये सब पार्ट बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चिल्ड्रेन, यू नो वन थिंग दे आस्क इज व्हेन विल यू हैव इट एज अ 90 degree, एकदम एग्जैक्टली एल कहाँ पर फॉर्म होता है। सो चिल्ड्रेन देर आर टू टाइम्स, वन इज एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू डू, इट शुड बी 3 o'clock ओके, लेट मी फर्स्ट ट्राई। यस नाउ यू सी दिस इज 3 o'clock ऑलमोस्ट, 3 थोड़ा इधर उधर हो गया फिर भी, सो 3 इज वॉट 90 degree ओके। इफ आई पुट माई प्रोट्रैक्टर एंड सी आई विल गेट इट एज 90 degree, आई कैन ऑल्सो यूज माई एल ओके। यू आर नॉट सपोज टू यूज एल, एग्जाम में एल कहाँ से आएगा, ये जस्ट दिखाने के लिए। सो इट इज एग्जैक्टली एल और ये कितना है, इट इज 90 degree। 90 degree में एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, टाइम कितना डिफरेंस है पता है, 55, 10, 15। घड़ी में कहीं भी 15 मिनट्स का डिफरेंस हो वहाँ 90 डिग्री बन जाता है ओके बट हमारे लिए सेफ है कि हम 3 o'clock और 9 o'clock ही लिखें। बहुत लोग एग्जाम में क्या करते हैं 3:30 भी लिख देते हैं, ये 3:30 लिखते हैं, अक्सर ये मिस्टेक करते हैं लोग। ये देखो 3:30 को सोचते हैं कि 90 डिग्री है, इज इट 90 degree, नो बिकॉज दिस लाइन इज नॉट एट 3, ये 3 से थोड़ा नीचे आ गया है। एंड वॉट टाइप ऑफ एंगल इज इट चिल्ड्रेन, 330 इज एन, लेट मी सी या देखो हमारे एल से थोड़ा सा छोटा है, ये मेरा एल है बाहर, सो इट इज एन एक्यूट एंगल, छोटा एंगल है राइट, ये छोटा है एक्यूट एंगल है। सो 330 इज एन एक्यूट एंगल, सिमिलरली इफ यू गो अब देखो इट इज 340 ओके, 340 बिकम्स एन ऑब्ट्यूज एंगल 9 o'clock में 90 degree। सो 90 degree वाला क्वेश्चन आए तो दो लिखना, एक होगा 3 o'clock और एक होगा 9 o'clock। इसके अलावा भी 90 degree बहुत जगह में होता है, 90 degree का टाइम निकालने का एक इजी तरीका क्या है, दोनों हैंड्स जो है उनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए, 15 minutes। अगर अपना घड़ी रखकर निकाल लोगे 15 मिनट्स का डिफरेंस, वो सब टाइम हाफ 90 degree का होगा ओके। सो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, यू डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, ये मुश्किल हो जाएगा। इवन मेरे लिए भी अगर मैं 15 डिग्री ऐसे घुमा घुमा के देखते जाऊँ 15 मिनट्स कहाँ हो रहा है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम ओके।
I think now it is clear, children, where you have acute angle in a clock and where you have obtuse angle in a clock and 90 degree in a clock. Okay, so assignment jo hoga wo is tarah ka hoga ki draw a clock and show the hands of a clock when they are at 90 degree or when they are at acute angle or when they are at obtuse angle. Okay, I think this part is clear. So thank you.